छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर पंचायत सचिव संघ ब्लॉक इकाई छुरा अपने प्रमुख एक सूत्रीय मांग दो वर्ष परिवीक्षा अवधि पश्चात समस्त सचिवों का शासकीयकरण की मांग को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन एवं रैली कर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। छुरा ब्लॉक के पंचायत सचिव संघ ने धरना प्रदर्शन कर अपनी मांग को लेकर हल्ला बोलते हुए आवाज बुलंद की। इस धरना प्रदर्शन में ब्लॉक के सभी ब्लॉक के पंचायत सचिव पहुंचे हुए थे। धरना स्थल पर सचिवों ने अपनी मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। पंचायत सचिव संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि शासन की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं इसका लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की हमारी भागीदारी होती है। कहा कि 29 विभागों के विभिन्न कार्यों को हमारे द्वारा पूरी ईमानदारी के साथ केंद्र एवं राज्य सरकार की सेवाओं को जमीन स्तर पर पहुंचाने का कार्य किया जाता है। इसके बावजूद वर्षों से पंचायत सचिव शासकीयकरण से वंचित, हमारी यह मांग वर्षों पुरानी है। इन्हीं मांग को लेकर पंचायत सचिव संघ जिला इकाई गरियाबंद ने भी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं रैली आयोजित की थी। धरना स्थल से जनपद पंचायत छुरा से थाना और तहसील कार्यालय तक पंचायत सचिवों ने रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की। वहीं अपनी प्रमुख एक सूत्रीय मांग शासकीयकरण किए जाने का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जनपद सीईओ और छुरा तहसीलदार को सौंपा गया। रैली ये ज्ञापन सौंपना था आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री भूपेश बघेल के नाम से, जिसमें हमारी एक सूत्रीय मांग जो है दो वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात समस्त पंचायत सचिवों का शासकीयकरण, यह मुख्य मांग है जो 25 वर्षों से लंबित है। इस तारतम्य में हमने 21/12/2020 को जिला स्तरीय रैली निकालकर आदरणीय जिलाधीश महोदय एवं आदरणीय मुख्य कार्यपालिकारी जिला पंचायत को ज्ञापन सौंप चुके हैं। यह हमारा द्वितीय चरण है। इसके पश्चात भी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम 26 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन में कल हमारे समस्त 28 जिला अध्यक्ष एवं प्रांत की जो कार्यकारिणी बॉडी है उनको हमारे पंचायत मंत्री आदरणीय श्री सिंहदेव जी ने अपने निवास में बुलाया था, जिसमें चर्चाएं तो हुई हैं लेकिन उनके द्वारा सिर्फ एक ही जवाब दिया जा रहा है, गोलमोल है कि हमारे इस संबंध में मैं अपना अनुशंसा जारी कर दूंगा। बाकी जितने गरियाबंद से परमेश्वर राजपूत की रिपोर्ट।